हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संदीप। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सा एंड धम्मा गए। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि आज हम जा रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग की तरफ। राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। धार का मरुस्थल बोलते हैं जिसे हम, और इस रेगिस्तान पे सबसे पहले हम जाएंगे बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर से आगे का टूर करेंगे, जो कि आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हम आगे नागौर से आगे, ये नागौर से आगे निकलने के बाद गौशाला है उसके पास, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा जोधपुर। जोधपुर से हम जाएंगे बाड़मेर, और बाड़मेर के आगे हम देखेंगे फिर किधर निकलेंगे। 4-5 दिन का टूर रहेगा हमारा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या मौसम भी शानदार है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलेगा। अब हमारा आगे का टूर कौन सी जगह होगा, हम जोधपुर जाएँ या किधर जाएँ, जालौर जाएँ, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। कितनी गए हैं आप? 1700। राजस्थान का सबसे बड़ा मंडोर जोधपुर के अंदर ही पड़ता है, लेकिन क्या बताएं बात क्या लोकेशन है। पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर ही थी, फिर गांव ज्यादा आकर जोधपुर गए, जोधपुर में जाकर बस गए, फिर हैरान करके आ गया। मतलब सब कुछ है वो ही है। लग जाते थे पर खेती नहीं थी। 2010 में सरकार के सहयोग से ये सारे टिश्यू कल्चर के पेड़ है, ये बरही किस्म है, बगदाद की है। बगदाद की, हाँ। सेड़वा में भी तो है वो, एक वो रोड पर शियानिया वो खलास है। खलास है वो अलग है, हर की मतलब वो बगदाद की बता रहे थे। वो भी 500 वैरायटी है। हां, अच्छा बगदाद की है सारी ना। हर की खाड़ी देश, ये गल्फ कंट्री, ये सारा मामला गल्फ कंट्री। ये बरही है, उधर मेडजूल है, अजवा है वगैरह है, मतलब जो अलग है। इसका अंदर से 10 साल का पेड़ हो गया, ये 10 साल का पेड़ हो गया, 2010 में चालू किया था इन्होंने काम। ये इसका
फल आ गया, अब ये अपना निकल जाएगा, अपने आप थोड़ा खींचेंगे अगले थोड़े दिनों बाद ये निकल जाएगा, फिर इसी ऊपर आए तो नीचे कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये काट देते हो फिर नीचे से? नीचे वही कटेगा तो सूख जाएगा ना। हाँ। वो पत्ती कट जाएगी। ये है बाड़मेर में अंजीर की खेती। ये देखो अंजीर के छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे बाड़मेर में, ये पूरे इलाके में अंजीर ही अंजीर लगा हुआ है। ये वैसे तो इजराइल की खेती है और इजराइल से यहाँ आई है। इनमें अभी क्या पके नहीं है, इसमें तो आपको एक टेस्ट करा होता था। ये देखिए, मतलब कि देखो धोरे है सामने, धोरों के बीच में टीले टीले माटी और वहाँ पे ये खेती की गई है अंजीर के छोटे छोटे पौधे। और ये उधर बाजरा है, दो।